मैं आज बात करने वाला हूँ भाई सनराइज हैदराबाद एंड दिल्ली कैपिटल्स के बीच में जो आईपीएल का 35वां मैच खेला जाएगा उसके बारे में। कोई जिम टीस प्रेडिक्शन पिच रिपोर्ट सब कुछ मैं आप लोग को बता कर दूंगा भाई। तो मैच कहाँ खेला जाएगा भाई? मैच खेला जाएगा भाई दिल्ली पे, यहाँ का पिच पे ना भाई ज़्यादा फास्ट बॉलिंग एंड स्पिनरों को दोनों को समान तरीक़े से भाई हेल्प मिलता है भाई। ठीक है, तो भाई हम लोग देख लेते हैं हम लोग का की मैचेस कैसा होगा आज का, तो हम लोग देख लेते हैं भाई। तो भाई देखो, अक्षर पटेल, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा एंड एडन माक्रम। तो भाई देखो, अक्षर पटेल ने ट्रेविस हेड को एक बार आउट किया, 3 बॉल डाले, 1 रन दिया। तो अक्षर पटेल ट्रेविस हेड को 3 बॉल में 1 रन देके 1 बार आउट कर चुका है भाई। ठीक है, अभिषेक शर्मा को अक्षर पटेल 2 बार आउट किया, 8 बॉल डाले, 6 रन बनाया। समझ रहे ना भाई क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को? अक्षर पटेल एडन मक्रम को 2 बार आउट किया, 6 बॉल डाले, 5 रन किया। तो आज का इम्पोर्टेंट प्लेयर कौन हो गया भाई? अक्षर पटेल, जिसने ट्रेविस हेड को 1 बार आउट किया, 3 बॉल डाल के 1 रन करने दिया, रन भी ज़्यादा मारने नहीं दिया। अभिषेक शर्मा को सिर्फ 8 बॉल डाला, 6 रन किया, 2 बार आउट कर दिया। समझ रहे ना भाई? एडन माक्रम को 2 बार आउट किया, 6 बॉल डाले, 5 रन बनाया। बोलिए तो अक्षर पटेल आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेयर हो सकता है भाई। ठीक है, फिर आते भाई हम लोग किसके साथ? भुवनेश्वर कुमार के साथ एंड यहाँ पर डेविड वार्नर एंड पृथ्वी शो। तो भाई भुवनेश्वर कुमार ने डेविड वार्नर को 2 बार आउट किया, 43 बॉल्स एंड 29 रन्स। मतलब भुवनेश्वर कुमार ने डेविड वार्नर को 43 बॉल किया है, 20 रन बनाया एंड 2 बार आउट कर दिया उसने। ठीक है, पृथ्वी शॉ को 2 बार आउट किया, 35 बॉल एंड 35 रन। तो आज का मोस्ट दोनों इम्पोर्टेंट प्लेयर है अक्षर पटेल एंड भुवनेश्वर कुमार, अक्षर पटेल एंड भुवनेश्वर कुमार भाई मेरे हिसाब से। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार अक्षर पटेल को, भुवनेश्वर कुमार अक्षर पटेल को 2 बार आउट किया, 30 बॉल डाले 57 रन बनाया। मतलब भुवनेश्वर कुमार अक्षर पटेल को भी आउट कर देता है भाई। ठीक है, जयदेव उनादकट ऋषभ पंत को 2 बार आउट किया है, 31 बॉल में 49 रन बनाया। ठीक है, तो उनादकट को लेकर उतना खतरा नहीं है ऋषभ पंत को। ठीक है भाई, तो आज का कुछ मैच इंपॉर्टेंट प्लेयर मैंने आप लोगों को बता दिया। तो अभी हम लोगों का टीम में कौन कौन रहेगा? देखिए भाई, मुझे लग रहा है हेड एज फ्लॉप हो जाएगा भाई, लग रहा है। तो अभी के लिए तो मैं ले रहा हूँ कलासन ऋषभ पंत। देखिए हैदराबाद के तरफ से भाई कलासन एंड अभिषेक शर्मा रन बनाएगा, उसके साथ साथ भाई ट्रेविस हेड या एडन माक्रम दोनों में से कोई एक। ठीक है, क्रिस्टन स्टब मेरे टीम में रहेगा, इनके साथ साथ मैं लूँगा पैट कमिंस को एंड कुलदीप यादव को। तो ये एक कॉम्बिनेशन है, पर ये मेरा फाइनल कॉम्बिनेशन नहीं है भाई। फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, टीम स्काई वर्ल्ड पर। ठीक है, तो भाई हम लोग कप्तान किसको देंगे? कप्तान दूंगा मैं अक्षर पटेल को, वाइस कप्तान मैं दूंगा एडन माक्रम को, या तो मैं क्रिस्टन स्टब या तो ऋषभ पंत। तो मैं अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ ऋषभ पंत के साथ, क्योंकि ऋषभ पंत मुझे कीपिंग एंड
बैटिंग भी करके देगा, नहीं तो मैं कलासन के साथ कप्तान भी जा सकता हूँ भाई। ठीक है, अभी के लिए मैं इस मैच को डाल के रखा। ठीक है, तो ये था कॉम्बिनेशन, फाइनल कॉम्बिनेशन आप लोगों को टेलीग्राम पे ही मिलेगा। एंड भाई देखिए, यहाँ से आप लोग डेविड वॉर्नर को ड्रॉप करके ना, चाहे तो यहाँ से आप लोग फेजर मैग्रैक एंड नहीं तो साई होप ले सकते हैं भाई। ठीक है, फेजर मैग्रैक नहीं तो साई होप, दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं। क्रिस्टन स्टाफ इंपॉर्टेंट है भाई, बॉलिंग में डाला आप अगले मैच पे, विकेट दो विकेट लेके गया, बैटिंग तो तबड़ता, सेकेंड इनिंग्स में भाई तबड़तोड़ बैटिंग करता है भाई। ठीक है, तो चलो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना दोस्तों। अब फटाफट टीम स्काई वॉर ज्वाइन करो, वहाँ पर आप लोगों को फाइनल टीम मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।